बेसिक शिक्षा परिषद के जनपद के नव नियुक्त शिक्षकों को बुधवार को बीएसए कार्यालय गोरखपुर में ऑनलाइन विद्यालय के आवंटन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान प्रथम चरण में महिला शिक्षकों को तथा उसके बाद पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके पूर्व भी नव नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन किया जा चुका है। शेष बचे शिक्षकों को बुधवार को विद्यालय आवंटित किया गया। इसके बाद बचे शेष अन्य शिक्षकों को भी अगले चरण में विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, अभी 25 है, बिताऊंगा, खत्म हो गया मैडम। देख ला और नहीं है, नहीं कुछ तो बोले, कोई याद नहीं, और भी नहीं है, विद्यालय किस ब्लॉक का है? पिपरौली, गालाबाग नहीं है, मदर लिस्ट में नाम नहीं है, मदर लिस्ट में नहीं है, मदर लिस्ट में नहीं है ना, नहीं इसमें है ना, नहीं बात करें, कालाबाग नोट कर लीजिएगा, अलॉट में होने पाए कालाबाग, हम बात करके इसको हम खत्म करेंगे, ब्लॉक नहीं है, विद्यालय के 647 हमारे अध्यापक हैं जिनको विद्यालय अलॉटमेंट किया जा रहा है, विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। इसके पहले इनको नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, शासन का निर्देश प्राप्त हुआ था 25 और 27 में, तो जिसके क्रम में 25 को भी विद्यालय का आवंटन किया गया और आज 27 है। अगर बच्चे बचेंगे भी तो नॉनिक टीचर, तो इनको 28 को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन के बाद ये अपने विद्यालयों पे जाएंगे, वहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे बीआरसी के माध्यम से, और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा को ये एक गति प्रदान करेंगे और नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, ये शुभकामनाएं इनके लिए। विद्यालय अलॉटमेंट सीधे शासन के निर्देश के क्रम में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन हो रहा है, हमारे नवनियुक्त टीचर आ रहे हैं, जिस ब्लॉक का जो भी विद्यालय वो चयन कर रहे हैं, तुरंत एक क्लिक के साथ विद्यालय अलॉटमेंट ऑनलाइन निकल जा रहा है सीधे और उनको दे दिया जा रहा है। उसमें किसी भी तरह के माइनस में भी इधर उधर की गुंजाइश नहीं है, पूरी ईमानदारी और सरकार की जो मंशा है, सरकार ने बिल्कुल एकदम पारदर्शी व्यवस्था कर दी है। आप देखिए हमारे जहां हम अलाटमेंट कर रहे हैं वहां और बाहर भी टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी नवनियुक्त अध्यापक को किसी भी तरह की कोई भी समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और इस पर हम पूरा पहल भी कर रहे हैं। पहले दिन महिला विकलांग, फिर उसके बाद पुरुष विकलांग, उसके बाद महिला, जब सारी अभ्यर्थी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद पुरुषों का अलाटमेंट होगा, हो रहा है, ये नियम है, व्यवस्था है शासन की कि महिला विकलांग, पुरुष विकलांग, महिला, फिर पुरुष, विद्यालय आवंटन होगा उनको अपने विकल्प के अनुसार।